बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के केस को लेकर हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट हमें सुनने को मिल रही है। आपको बता दें, राज कुंद्रा को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और उनकी बेल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी बीच में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। 27 जुलाई को मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में शर्लिन अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पहुंची थी। इन द पोर्नोग्राफी केस इन्वॉल्विंग बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टीज हस्बैंड राज कुंद्रा, और वहां जाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने राज कुंद्रा के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट फाइल की थी। कुंद्रा एक बार उनके घर बिना बताए अचानक से पहुंच गए थे और उन्हें किस करने की कोशिश की थी। उनका वहां पर आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। इसके बाद शर्लिन ने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की राज कुंद्रा को खुद से दूर करने की, जिसके बाद राज कुंद्रा ने यह भी कहा था कि शिल्पा शेट्टी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शर्लिन ने आगे एलैबोरेट करते हुए कहा कि उन्होंने किसी तरह से राज कुंद्रा को धक्का दिया और वो अपने बाथरूम में जाकर छुप गई थी। यही कंप्लेंट उन्होंने पहले भी राज कुंद्रा के अगेंस्ट फाइल की है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की वियान इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट सेबी ने एक पेनल्टी भी फाइन की है ऑफ ₹3 लाख। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें यही नहीं खत्म हुई है। शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा ने भी एक चीटिंग कंप्लेंट फाइल की है एक लैंड डील मैटर में। उन्होंने एक इंसान पर उन्हें फेक प्रॉपर्टी पेपर्स देकर 1.6 करोड़ रुपीस लेने का इल्जाम लगाया है।